राफेल मामले पर हो हल्ला कर रही कांग्रेस को पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने खरी खोटी सुनाई है। हमीरपुर गांधी चौक पर राफेल मामले पर कांग्रेस के खिलाफ किए गए धरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में धूमल ने कांग्रेस की जेपीसी के गठन की मांग को फिजूल ठहराया। धूमल ने कहा कि संसद में मामले पर चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। धूमल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों पर फैसला दे दिया है, तो अब कांग्रेस बिना मतलब के ही बीजेपी पर आरोप लगाने में जुटी है। जेपीसी का तब गठन किया जाता है जब पार्लियामेंट में चर्चा हो, संसद के दोनों सदनों में लगातार सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो कांग्रेस चर्चा नहीं करती। कल भी आपने देखा नेता प्रतिपक्ष को बार बार पूछा गया कि आप चर्चा क्यों नहीं करते, उनका चर्चा तो पहले भी हुई थी। पीएसी जेपीसी का गठन होना, उसकी जांच की रिपोर्ट आना, उसके बाद भी तो मामला जाकर सॉल्व नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट से आगे और क्या है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने चारों बिंदुओं पे कह दिया कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है जो चैलेंज किए गए बातें, और सौदा बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई बिचौलिया नहीं था, और दूसरे देशों में और बढ़िया हथियार और हवाई जहाज खरीद लिए, हम पिछड़ रहे हैं, देश की सुरक्षा पे समझौता नहीं हो सकता, और साथ में ये भी कहा कि कुछ लोगों की परसेप्शन पर आधारित हम निर्णय नहीं कर सकते। कुछ लोग घर बैठे बैठाए सोच लें कि इसमें कमीशन खाया गया, तो उसको बेस बना के कोई निर्णय नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने चारों मुद्दों पर कांग्रेस के जो उन्होंने पिटीशंस करवाई थी प्रॉक्सी से, खुद तो सामने आए नहीं, अब उन चारों पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ गया। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो उच्चतम न्यायालय ने जब निर्णय दे दिया है तो उसके बाद फिर जेपीसी किस लिए, इसलिए जेपीसी नहीं बन सकती, ये स्पष्ट तौर पे केंद्र ने बता दिया है। हमीरपुर गांधी चौक पर राफेल मामले को लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया और इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाया। धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, प्रदेश से प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता विजयपाल सुहारू, जिला बीजेपी अध्यक्ष अनिल ठाकुर, मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा मौजूद रहे। तीन राज्यों के चुनावों में बीजेपी को चुनाव नतीजों पर धूमल ने कहा कि अगर कांग्रेस राफेल के मामले पर दुष्प्रचार नहीं करती तो बीजेपी तीन राज्यों में सत्तासीन होती। वहीं धूमल ने नोटा के इस्तेमाल पर पलटवार किया और कहा कि अगर व्यक्ति को किसी पार्टी की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है तो दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन नोटा के प्रयोग से वोट खराब हुए हैं। उन्होंने अपील की है कि लोग चुनावों में नोटा का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा होगा। मैं मानता हूं कि मतदान से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना स्पष्ट निर्णय आ गया होता तो जो दुष्प्रचार जो प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा किया गया था उसके कारण जो कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए वो दिग्भ्रमित नहीं होते, तो जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो निश्चित तौर पर हम सरकार में फिर सत्ता में होते, और राजस्थान में भी जहाँ थोड़ा फर्क रहा था। नोटा का लक्ष्य क्या है? आपको एक ही पॉलिसी पसंद नहीं, आप दूसरे को वोट दे दो। नोटा तो कोई भी नहीं, ये तो बुद्धिजीवियों के वोट का टोटल मिसयूज है, दुरुपयोग है। क्या नोटा दबाने से क्या आप रिजर्वेशन में कोई चेंज आ गई पॉलिसी में? या तो कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी, ऐसा आंदोलन सामने आता जो उसमें परिवर्तन ला सकता, उसको लोग वोट देते समझ आता है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं आया और जो जिन्होंने जो अच्छा काम कर रहे थे उनको हरा के रख दिया। मुझे लगता है लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है और नोटा से बचना चाहिए। वोट किसी को दो, लोकतंत्र है, जो आपको पसंद आता है उसको वोट दे दो, लेकिन किसी पार्टी को वोट दो, नोटा को मत दो। आप बोल ही रही है अब करेगी चार सीट, तब तो कुछ बोलेंगे ऐसे बिना चार सीट देखे क्या बोले। एक रिचुअल बन गया है कि चार सीट देनी है, साल हो गया, दो साल हो गए, चार सीट, तथ्य कोई हो तो बताएं। केवल प्रचार के लिए जैसे राफेल पे शोर करते रहे, ऐसे चार सीट का शोर करते रहने से तो कोई लाभ नहीं होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान दी है उस दिशा को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर उससे पहले कि जो यूपीए की 10 वर्ष की सरकार थी
कैसा दौर आने वाला है, यही समय है जो तय करने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी जी द्वारा साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में इस देश के सबसे पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए जो नीतियां बनी, उन विश्व के अंदर भारत का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? ये कोई अचानक लगाए गए आरोप नहीं है, ये कोई बिना सोचे समझे गए पर बिना सोच समझ कर लगाए गए आरोप नहीं है, ये केवल कांग्रेस पार्टी के आरोप नहीं है। ये आरोप इस देश की तमाम उन अलगाववादी ताकतों के, देश विरोधी लोगों के, जो आतंकवाद के प्रति, माओवाद के प्रति, नक्सलवाद के प्रति नरम रवैया रखने वाले लोग हैं, ये उनकी सामूहिक आवाज राहुल गांधी के मुंह से निकलकर पूरे देश में फैल रही है। और इनके एक प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास हुई है, ये सब लोग उन दंगों में इन्वॉल्व थे। तो जब जब भी कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है और सत्ता में आने का ये हमेशा इनका प्रयास रहता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेतृत्व साथियों हमारे देश को मिला है जिस पे हम सबको गर्व है। हमें समय वो भी याद है जब हेमराज जैसे वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सेना को पूरे अधिकार दिए हैं तो आदरणीय श्री मोदी जी की सरकार में। ये सिर्फ इस वजह से हुआ साथियों कि एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प शक्ति के अकॉर्डिंग पूरे भारत वर्ष में आज भारत का हर व्यक्ति, केवल भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता नहीं, हर भारतवासी ये गौरवान्वित महसूस करता है कि आदरणीय मोदी जैसा नेतृत्व इस देश में मिला है। हमें वो भी समय याद है जब चार साल पहले बंगला नॉर्थ ईस्ट में कहीं म्यांमार से, वर्मा से हमारे सैनिकों के बताना चाहिए, इन्होंने केवल और केवल इस देश को ठगा है, इस देश के गरीब को ठगा है। 1970 में जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, आज उसका पोता भी वही नारा लगाता है, और गरीबी कब बढ़ेगी? और मोदी जी ने इस देश के गरीब को मुफ्त में दवाई देने की व्यवस्था की है, इस देश के 5 करोड़ लोगों को, 5 लाख परिवारों को, 5 करोड़ परिवारों को 5 लाख सालाना मुफ्त इलाज करने की सुविधा मुहैया कराने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो आदरणीय मोदी जी हैं। इस देश में 2022 तक कोई भी व्यक्ति बिना छत के नहीं रहेगा, ऐसा कोई काम किया है बिना सबूत के, बिना किसी कारण के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने की इनकी ये साजिश। सुप्रीम, मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेके गए, जिनके कारण से आज लोगों के सामने सच्चाई सामने आई है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते रहे। आज ये लोग, इन लोगों के बारे में चर्चा करने को मन नहीं करता, मैं तो कभी इनका नाम भी नहीं लेता हूं। जब से मोदी जी बने हमारे पास इतने पॉजिटिव पॉइंट है, गांव के गरीब से लेकर ऊपर तक, और आज गांव की सड़क से लेकर 14 लेन रोडों के निर्माण तक के जो हमारे पास आज विकास हुआ है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास इतना मटेरियल है। मैं इन लोगों के बारे में चर्चा भी नहीं करना बस चाहता था, लेकिन आज जिस साजिश के अंतर्गत यहाँ के लोगों को बलगाने में ये कामयाब हो रहे हैं, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी को जन जागरण के माध्यम से आज इस ज्ञापन को देने की आवश्यकता पड़ी है। पिछले इस ये जो लोग हैं झूठ कितना बोलते हैं, मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण